लाल टोपी बयान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। कन्नौज में अखिलेश ने कहा कि जब सदमा लग जाता है तो लोग कुछ भी कहते हैं। लाल रंग को समझना होगा कि लाल रंग क्रांति का है, मेल मिलाप का है, लाल रंग भाव का है। अखिलेश ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री भावनाओं को नहीं समझ सकते हैं, हमारा लाल रंग खुशी और त्यौहार का है। आखिर इस रंग से नाराजगी क्या है? बीजेपी वाले हार के सदमे से उबर नहीं पा रहे, इसीलिए उन्हें हर जगह लाल रंग दिखाई दे रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसा था कि लाल टोपी वाले लोग काले कारनामों के लिए जाने जाते हैं, जिसके बाद अखिलेश यादव की ओर से ये पलटवार सीएम योगी के उस बयान पर किया गया है और वो लाल टोपी की परिभाषा बताते हुए दरअसल नजर आए। देखिए, कभी कभी लोगों को सदमा लगता है, आप सब लोग जानते हो, जब सदमा लग जाता है तो कुछ कुछ लोग बोलते हैं और कभी किसी के चोट लग जाए तो कुछ और बोलते हैं। जो लाल रंग है उसको समझना पड़ेगा, ये लाल रंग क्रांति का है, लाल रंग हमारे इमोशंस का है, ये लाल रंग मेल मिलाप का है, ये कार्यक्रमों का हमारे जब बहुत पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा रंग अगर कोई दिखाई देता है तो लाल रंग दिखाई देता है। हम जब खुश होते हैं तो आप देखते होंगे हमारे चेहरे लाल हो जाते हैं, दुखी हों तो हमारे चेहरे लाल हो जाते हैं। ये लाल रंग इमोशन का है, हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। और देखो, हमारे यहाँ तो बाल बाल भी हैं सर पे, तो कम से कम ये टोपी उन लोगों के भी काम आ सकती जिनके बाल ना हो, गंजे जो लोग हों। और देखिए, जो काले रंग की टोपी आप पहनते हैं उनका तो काले ही सब कुछ काला होगा, इसलिए काले पे बहस नहीं कर रहे हम। हमारा लाल रंग मेल मिलाप का है, अगर खुशी का है, त्योहारों का है, हमारी देवियों के जितने कार्यक्रम संपन्न होते हैं, दुर्गा माँ का लाल रंग, हमारे पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं लाल रंग सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। आखिरकार नाराजगी क्या है? इसीलिए मैंने कहा, ये जो हार का सदमा है, जो हार की वजह से सदमे से नहीं उभर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें हर जगह लाल 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 रंग दिखाई दे रहा है। और इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर लाल टोपी को लेकर क्या तंज कसा था वो देखिए। तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं, और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं। इस सीसा मऊ को सीसा मऊ ही बने रहने दीजिए। मां गंगा की पवित्र धारा के आगोश में आकर के इसे हमें कानपुर के एक विकसित रूप को एक मॉडल रूप में से प्रस्तुत करना है, और आज उन्हीं की सौगात लेकर के मैं आपके पास आया हूं आपसे।